तो फेलियर्स में वो जैसे मैंने बहुत पहले विवेकानंद जी का कोट था कि देयर इज नथिंग सच एज अ वर्ड सच अ फेलियर, इसीलिए मैंने बोला कि क्या ये वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं। तो विवेकानंद जी का बहुत पहले मैंने कोट प्रिपरेशन से पहले मैंने कॉलेज में पढ़ा था, उस समय इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने, लेकिन यही वर्ड था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर, इज जस्ट आइदर यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ और इज जस्ट यू हैव चूजन अ रॉन्ग फील्ड जो आपके एप्टीट्यूड का नहीं है। तो यही दो ऑप्शन होते हैं, फेल तो होते ही नहीं, आप सीख रहे हो। So hi guys and welcome back once again to the channel. Today with me there is a very special guest. His name is Mr. Vikas Rai and he has cleared the recently NABARD Grade B examination in his second attempt. So first of all many congratulations Vikas and welcome to the channel. Very thank you sir. So Vikas, first of all our students would love to know about your educational background and क्या आपके अंदर मोटिवेशन था जिसकी वजह से आपने नबार्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे एंड देन आई हैव वर्क एज अ डिसेंट साइंटिस्ट इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सर आई हैव बीन रिकमेंडेड ट्वाइस इन इंडियन आर्मी ऑल्सो एंड उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में चला गया था। फिर आई हैव गिवन थ्री अटेम्प्ट्स एंड आई हैव रिटन टू मेंस and during that preparation phase itself I realized ki ek yaar matlab ki I should not stuck at a single point of time because I was not clearing the mains so kuch numbers se atak raha tha and I realized ki ek fear factor hai which is seeking that a job security should be there and during that same time I thought matlab I got to know about NABARD RBI and SEBI and NABARD ka kafi acha tha kyunki इसमें एग्रीकल्चर एक सेक्शन है जो मेरे ऑप्शन से मैच करता था एंड इकोनॉमी मैंने काफ़ी अच्छी थी तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया उसके बाद मतलब NABARD फर्स्ट अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स आउट था एंड सेकंड टाइम इस बार बाय गॉड ग्रेस। ऑलराइट वेरी गुड। सो यू हैव बीन रिकमेंडेड यू वर रिकमेंडेड टू टाइम्स इन द डिफेंस फोर्सेस राइट? यस सर दैट्स वेरी प्लीजेंट टू हियर टू माय इयर्स। एंड सो यू सेड कि प्री में आपका जो पहला वाला प्री था उसमें आप प्री आउट हो गए थे, सो व्हाट वेंट रॉन्ग? सो स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो कि क्या ऐसी गलतियां हुई थी और किस तरीके से आपने उसको इम्प्रूव किया अपने सेकंड अटेम्प्ट में। श्योर सर। सर द पहली बार क्या दिक्कत होगी कि मैंने मतलब आई डेंट प्रैक्टिस इनफ द इशू कि जैसे मैथ्स रीजनिंग क्योंकि फर्स्ट जिससे पहला वाला अटेम्प्ट था 2020 वाला उसमें देवर कंसिडरिंग कट ऑफ ऑन होल लाइक रीजनिंग देवर कंसिडरिंग रीजनिंग ऑल्सो मैथ्स ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो कंप्यूटर साइंस बट इस बार इन्होंने क्या किया पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया एंड आई थिंक ये यूपीएससी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो पहली बार मेरा प्रैक्टिस कम था बट इस बार थोड़ा इट वॉज बेनिफिशियल फॉर मी एंड प्रीलिम्स क्लियर हो गया एंड प्रीलिम्स इज द हार्डेस्ट पार्ट मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि मेन्स में क्या है कि पहले ही कॉम्पिटिशन आधा मतलब मेजोरिटी चंक ऑफ पीपल आर आउट सो मेन्स थोड़ा ईजी हो जाता है एंड इंटरव्यू तो सबसे ईजी सेक्शन बट हाँ टेंशन विद स्टेजेस बढ़ता है लेकिन प्रिपरेशन विद स्टेजेस मेरे हिसाब से डिक्रीज होती है। यस तो ये आई थिंक काफ़ी मोटिवेटिंग बात मिस्टर विकास ने बताई है अभी कि प्री में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि अरे प्री तो निकल जाएगा हम मेंस में फोकस करेंगे बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि प्री के ऊपर भी फोकस उतना ही करना है जितना कि आपको मेंस और इंटरव्यू के ऊपर करना है राइट? सो नाउ अगर हम बात करते हैं आपके सोर्सेज के तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं दैट इज द सोर्सेज दैट यू हैव फॉलोड फॉर all the three stages of the examination. So first of all let's start with prelims. Yes. So what sources did you follow? Sir, the biggest source I think is YouTube and aap log ki videos aur bhi institutes ki videos kafi aati rehti hain jaise Pooja Rao ma'am ki agriculture ki videos aapki GS ki videos and Anu sir ki usse kya bolte current affairs ki videos maine inki schemes mere hisab se maine scheme sir ki videos pe kai baar dekhe the kyunki ye bahut crisp banate hain and usi video ko maine kam se kai baar dekha tha ek baar nahi kai baar to sir क्योंकि मुझे मतलब आई वॉज गिविंग यूपीएससी ऑल्सो तो मैंने कोर्स पर्टिकुलर नहीं खरीदा था तो क्योंकि मेरे इकोनॉमी पहले से थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी सोशल अगर लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यू शुड गो फॉर अ क्यूरेटेड कोर्स वो हेल्प करता है ऑब्वियसली हेल्प करता है लेकिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि यू जस्ट नीड अ पुश और मेरे को मैराथन सेशन लेके लग रहा था कि आई कैन डू इट एंड तो फिर मेरा यही था सर कि बुक्स मेरे जैसे कि इकोनॉमी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो मृणाल सर की वीडियोस आई विल रिकमेंड बहुत अच्छी हैं लेकिन इस एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा नहीं है तो आपको फैक्चुअल वीडियोस ज़्यादा देखनी पड़ेंगी जो आप लोग कवर कर रहे हो एंड अगर मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम ले सकूँ तो बैंकर्स अड्डा एक उनकी करंट अफेयर्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा हाँ मैंने करंट अफेयर्स जी है उनसे काफ़ी प्रिपेयर किया था जैसे एन दुबई वाला क्वेश्चन था फिर एक डेनमार्क में सी कैसल वाला क्वेश्चन मतलब बहुत
ईजी सोर्स हो जाता है वो, अगर आप कर पाए लेकिन जैसे आप लोग क्यूरेटर देते हो वो बहुत बेटर है क्योंकि आप लोग एकदम उसी स्पेसिफिक होते हो, तो बच्चों को जहाँ से मतलब फीजेबल लगे, क्योंकि राइट नाउ यू गाइस आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन फ्री मोड, अवेल कर लो। यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट विच सोर्स इज राइट फॉर यू, राइट? यस, मल्टीपल सोर्स नहीं, मेरी गलती ये रही, फर्स्ट एंड में भी ये गलती रही कि मैं मल्टीपल सोर्स के पीछे भाग रहा था। अगर आपको एक सोर्स पे मतलब बिलीफ आ गया कि दे हैव अ गुड कंटेंट, यस, आई थिंक यू शुड स्टिक टू इट। तो वो कहते हैं ना कि बिलीव करना जरूरी है, जिसके जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसको बिलीव करना जरूरी है। यस, एब्सोल्युटली राइट। सो प्री के लिए बेसिकली यू जस्ट फॉलो द यूट्यूब, और यूट्यूब में ही आपको जो है प्री मेजॉरिटी एंड करंट अफेयर्स अगर आप कर सके, करंट अफेयर्स, ठीक है, वेल डन। तो उसके बाद अगर हम मेंस पे चलें तो मेंस में विकास आजकल क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है और आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, तो मेंस का सिलेबस तो somehow same ही था जो कि last time भी था, but this time they introduced answer writing and students ने काफी ज़्यादा बार हमसे ये पूछी है बात कि भाई कैसे हम answer writing को tackle करें, कब से हम answer writing की शुरुआत करें, और I mean क्या तरीके हो सकते हैं कि हम answer writing को follow करें, क्योंकि बहुत एक तो 600 words के answer लिखना भी थोड़ा सा tough हो जाता है, लेकिन डेढ़ घंटे के समय है, 600 questions, क्योंकि अलग नहीं होती पड़े, मतलब आपको अगर कंटेंट रटना है प्रॉपर तो एक महीना उसके लिए इनफ है अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो, लेकिन आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं होती, एक महीने में नहीं होती, दो महीने में नहीं होती, उसके लिए 3-4 महीने अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप एक दिन में एक ही क्वेश्चन लिखिए, लेकिन लिखे तो सही, हफ्ते में 4 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, एंड 600 वर्ड मैं मतलब मैंने नहीं किया तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि 600 वर्ड इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मेरी कंप्यूटर स्पीड शायद बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, बट फॉर ड्यू मैं ऐसे इंजीनियर हूँ, मैं आईटी से भी हूँ और आई वर्क ओवर देयर आल्सो, सो स्पीड ठीक थी मेरी। तो इसके बाद भी मैंने एक कीबोर्ड खरीद रखा था, तो कभी आउट ऑफ ब्लू मतलब मैं प्रैक्टिस कर लेता था, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आउट ऑफ ब्लू आप ना करें, आप रेगुलर बेसिस पे करें, एक क्वेश्चन तो आप डेली लिख लें एक महीने पहले तक, और जैसे ही आप प्री निकलता है उसके बाद तो यार डेडिकेटेड आपको, क्योंकि प्री में जो मेंस में जो एमसीक्यू आते हैं आपने पूरी तैयारी कर रखी प्री में, उस पर आपको इतना फोकस नहीं मारना, बिल्कुल, क्योंकि वो बैक ऑफ माइंड आपने इतनी बार रिवाइज कर रखा है कि वो है, आपको एक बार रिवाइजेशन चाहिए, लेकिन वो जो एक महीने का टाइम मिलता है अगर उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप हैंड्स ऑन कर सकें, 600 वर्ड में जरूरी नहीं लिखना, 400 वर्ड में करें, 350 वर्ड में करें, 400 वाले को आप 250 वर्ड में करें, कंटेंट अच्छा लिखें। एब्सोल्युटली, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि मेंस की प्रिपरेशन आपको प्री के साथ ही करनी है, बट यस फॉर प्री आप एक महीने पहले से उसको रटना शुरू कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दैट व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द मेंस। सो प्री के एक महीने पहले तक यू शुड गो विद बोथ प्री एंड मेंस, एंड उसके बाद आप यू कैन फोकस ऑन प्री, राइट? क्योंकि वो एक महीने में जो आप फोकस करोगे सर वो मेंस में भी काम आएगा, इसके बाद हम चलते हैं विकास इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू से बहुत लोगों को डर लगता है कि भाई वहाँ पे सम स्टूडेंट्स थिंक कि वहाँ पे क्या एलियंस आए हुए, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग तो नहीं बैठे होंगे, तो इस तरीके का फियर स्टूडेंट्स के अंदर जनरली रहता है। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू सेक्शन सर? मुझे एंड क्या क्या सोर्सेज आपने फॉलो करे इंटरव्यू के? सर मुझे लगता है कि इन तीनों फेज में सबसे इजी इंटरव्यू होता है, बट बच्चे इसे अपने थॉट प्रोसेस की वजह से हार्ड कर लेते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट एंड दे डोंट नो कि उधर से क्या पूछने वाले हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू डिकोड, यू कांट डिकोड। मॉक इसीलिए होते हैं क्योंकि मॉक हमें प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने 4-5 जगह मॉक दिए थे तो मॉक्स में से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। इस ये मैं नहीं कह रहा कि मॉक खराब है, बात है मॉक्स ने प्रिपेयर कर दिया मुझे कि रैंडम क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्योंकि इन एवरी मॉक्स देयर वर रैंडम क्वेश्चंस एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर इट एंड हाउ टैकल इट स्पॉन्टेनियसली, ये एक चीज है जो मॉक ही सिखाता है। दिस इज माई टेक एंड मैं बच्चों से ही सजेस्ट करूंगा कि डरना तो है नहीं, क्योंकि आप यार इतना आगे आ चुके हो, आपके पास प्रॉबर्टी 1/3 होगी कि अंदर आने की, पहले 120 से फिर 1 प्रॉबर्टी बढ़ती जा रही है, तो डर तो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, बट बच्चे उल्टा करते हैं, डर बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डर गए तो ऑब्वियसली उस दिन ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आप खराब कर दोगे। जैसे मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था कि
उन्होंने मैं पूछा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि हाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड ऑल्सो, सो आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रूरल सेटिंग. तो उन्होंने कहा अच्छा टेल अस समथिंग प्रॉब्लम विच रूरल एरियाज आर ग्रैपल्ड विद. अब मेरे को मतलब एक सिंगल शॉक लगा, मैं क्या तुरंत आगे तो कंप्लीट करने दे अपना बायोडाटा. फिर मैंने दो तीन क्वेश्चन मतलब यही इशू है, मैं कहा नहीं सर और भी है तो बताइए. फिर सजेशंस मांगने लगे, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जबरदस्ती का लीड ना दें अगर आप प्रिपेयर ना हो तो, क्योंकि वो आपके लीड से ही थ्रेड पकड़ते हैं. बिल्कुल, आपने जो थ्रेड डाल दिया, जैसे एक मेरे सीनियर से इंक्यूबेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने बोला कि आई एम अ स्टार्टअप पर्सन, तो उन्होंने अच्छा बताओ नाबार्ड कहाँ से, नाबार्ड के इंक्यूबेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ है, क्या क्या स्टार्टअप्स हैं, कुछ नहीं बता पाए. तो अगर आप कोई लीड दे रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड, और ये मॉक्स सिखाते हैं जो मुझे लगता है. तो आई थिंक मॉक्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आपके इंटरव्यू के लिए, ये बात हमें सीखने को मिलती है मिस्टर विकास से. एंड मॉक्स में आपको उतना ही बोलना है जितना पूछा जाए, या फिर वो बोलना है जिसके बारे में आपको नॉलेज है. ज़बरदस्ती उनको आपको थ्रेड नहीं देना है कि यस हमने कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं करना है. सो विकास, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू कि इंटरव्यू में आपका क्वेश्चंस का टाइप क्या था, कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए जो अभी हमारे एस्पिरेंट्स हैं. सर अगर आप मॉक्स को देखें तो मेरे हिसाब से आपको मॉक्स पढ़ के प्रिपेयर कर, मॉक्स दे दे के प्रिपेयर करना, पहले भी कर लिया तो जैसे सबसे पहला सोर्स तो मेरे हिसाब से जो है कि उनकी एनुअल रिपोर्ट्स निकलती है नाबार्ड की. जितने मेरे दोस्तों से मैंने इंटरेक्शन किया, अगर वो नाबार्ड रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे तो वो उससे बाहर कुछ नहीं आया. और उनकी वेबसाइट ठीक है, लाइक जैसे एक क्वेश्चन था कि हायरार्की के ऊपर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया था, मेरे से किसी ने पूछा भी था ये ड्यूरिंग मॉक ऑल्सो, मेरे से किसी ने पूछा था, हाँ मेरे से पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन पूछा था कि हायरार्की में बताइए क्या है, अब मैं हायरार्की नहीं बता पाया था. तो उस दिन मैंने प्रिपेयर किया. फिर एक मॉक में मैंने पूछा गया अच्छा कि क्या क्या, हाँ मैं आईटी से हूँ तो आईटी की स्कीम्स मैंने नहीं प्रिपेयर की थी. तो ऐसे मॉक से प्रिपेयर करता गया. फाइनली इन्होंने मेरा थ्रेड क्या हुआ, बायोडाटा, मैंने सोचा था कि बायोडाटा पे लेकर रखूंगा एंड थोड़ा आईटी की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. गलती से मेरे मुंह से जो स्टार्टिंग में निकल गया एग्रीकल्चर वाला, पूरा मेरा इंटरव्यू उसी पे फोकस पे कि एग्रीकल्चर में इशू क्या है. फिर मैम सर को मैंने समझाया, फिर मैम से जो एग्रीकल्चर लॉस आया था क्यों करंट सब जुड़ा हुआ है, हाँ जी, और उससे काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था. तो मैम ने पूछा कि अच्छा बताइए फिर वो लॉस क्या थे, अच्छे थे कि नहीं थे, तो फिर उन्हें रिपील क्यों किया गया. फिर सर आ गया तो सर तीसरे सर, तो उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि अच्छा इंटरनेशनल जो लड़ाई चल रही है उसका एग्रीकल्चर का इशू है. तो मेरा पूरा ही एक ही थ्रेड में हो गया. तो बस आपने एक थ्रेड उनको दिए और फिर वो पूरा इंटरव्यू वो तो बाय गॉड यस, मैं थोड़ा एग्रीकल्चर जानता था इसलिए आई टैकल इट. लेकिन अगर आपको नहीं आता, जैसे मेरा एक सर का इंटरव्यू बहुत खराब हो, उनका बहुत खराब सा हो गया, मतलब खराब इतने से नहीं बोल सकता, लेकिन मतलब उन्हें ढंग से नहीं हो, तो उन्हें लगा कि यार खराब हो गया. खराब अच्छा क्या होता है हमें नहीं पता. नहीं खराब और अच्छा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड. यहाँ कोई भी खराब या कोई पास या कोई फेल नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट गेटिंग रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड. ये तो हमारी ओपिनियन है कि हमारे सबसे खराब गया अच्छा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो बेसिकली इंटरव्यू को अगर हम शॉर्ट में समझे समराइज करें तो इंटरव्यू में आपको एनुअल रिपोर्ट फॉलो करनी है नाबार्ड की, नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड की जो वेबसाइट है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. बेसिकली नबार्ड के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स एनुअल करंट स्कीम, जैसे मेरे से उन्होंने करंट, हाँ मैं नहीं बता पाया, एक क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था, एग्रीकल्चर स्टार्टअप पॉलिसी कुछ निकाली थी अभी से, तो सर ने मेरे से पूछ ली क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एकदम जो करंट में स्कीम्स हैं, करंट में जो इवेंट्स है, जैसे जीवा निकला हुआ था, किसी से जीवा पूछ ले कि व्हाट इज जीवा, तो ये स्कीम्स तो पक्का इन दो सेक्टर से तो पक्का ही होनी चाहिए आपको एक साल की प्रिपेयर. बिल्कुल ठीक है. तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का आपका जो एरिया है वो पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू एस दिस एग्जामिनेशन स्पेशली द इंटरव्यू पार्ट. यस. सो ये था इंटरव्यू के बारे में. तो चलते चलते विकास, आप अपनी तरफ से अगर कुछ टिप्स स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी पड़ावों से होके गुजरे हैं, मैं ये कहूँगा, बिकॉज यूपीएससी में आपने 2 मेंस लिखा है, यूपीपीसीएस में आपने 3 मेंस लिखे हैं, और मेडिकल बोर्ड से आप 2 बार मेडिकल आउट हुए हैं. तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर काफी डीमोटिवेशन आ जाती है इस चीज को लेके, कि एक वो डरने लग जाते हैं कि वेदर दे हैव बीन मेड फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स और नॉट, वेदर दे शुड गो अहेड और नॉट. सो इस चीज से आप कैसे निकल रहे हैं, मतलब मैं कहूँगा ये वर्ड आई डोंट नो कि अगर मुझे शब्द इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कि इतने सारे फेलियर्स के बाद भी आज आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं. सो वो जो तरीका होता है इन फियर से आउट निकलने का, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा. सर जैसे आपने बोला कि इतने सारे फेलियर्स, तो फेलियर्स में वो जैसे मैंने बहुत पहले विवेकानंद जी का कोट था कि देर इज नथिंग सच एज वर्ड, इसीलिए मैंने बोला कि क्या ये वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं. तो विवेकानंद जी का बहुत पहले मैंने कोट प्रिपरेशन से पहले मैंने कॉलेज में पढ़ा था, उस समय इतना ध्यान नहीं दिया था मैंने, लेकिन यही वर्ड था कि देर इज नथिंग कॉल्ड एज फेलियर, इज जस्ट
either you are not prepared enough or it's just you have chosen a wrong field जो आपके aptitude का नहीं है. तो यही दो ऑप्शन होते हैं. फेल तो होते ही नहीं, आप सीख रहे हो. क्योंकि आप अगर फेल मतलब आप यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, यानी आपने 100% दिया और आपको लगता है कि आपने 100% दिया तो आपने प्रयास इनफ नहीं किया. मतलब एक अटेम्प्ट में ही आप सोच नहीं सकते कि मैं 100% प्रिपेयर था. दो अटेम्प्ट में भी आप चलो 3-4 आपने डेडिकेटेड दिया है तो आपको आ जाना चाहिए कि नहीं यार दिस इज आउट ऑफ माई एटीट्यूड, देन यू शुड चेंज योर फील्ड. लेकिन आप अगर थोड़ा पढ़ते हो आधा टेंशन में रहते हो, जैसे आजकल जनरली क्या होता है फियर फैक्टर बहुत आ जाता है. तो मैं और इसका मेन रीजन है कि बच्चे पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हैं. पढ़ाई ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए लेकिन पढ़ाई हम करने के लिए हमें मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना है. बिकॉज अगर मशीन ही ठीक नहीं है right. तो आप उसमें कितना भी अच्छा पेट्रोल डाल दो Absolutely. वो कुछ नहीं कर सकते. अब मशीन कबाड़ा पड़ी है, अब हम क्या करते हैं फोकस करते हैं कि ज्यादा ज्यादा कंटेंट रट डाले. अरे रटने के लिए दिमाग भी मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि रेडी होना चाहिए कि यस फियर नहीं होना चाहिए. मेरे हिसाब से फियर नहीं होना चाहिए. फियर ना होने के कई चीज है, जैसे कि आप अब लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, मेरे को मतलब कभी जची नहीं. तो जैसे एक अगर मैं मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके अंदर से आनी चाहिए आवाज की यस मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो करना है. यस सर. और अगर आपको मान लो कभी कभी लगता है कि यार मैं अकेला ही हूँ, तो जैसे अब अगर मैं शेयर कर सकता हूँ, तो जैसे एक है रश्मि रथिका की कविता है, उसकी सर्ग 3 अगर आप कभी पढ़े सुने तो मनोज मुंतशिर जी ने गाया हुआ है. मैं उसको लगभग पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ, हर दिन एक बार सुन, जिस दिन थोड़ा ऐसे तो रेगुलर सुनता हूँ लेकिन जिस दिन डिमोटिव होता हूँ उसको 2-3 बार सुन लेता हूँ. वो इतना वही दिखाता है कि अगर आपने कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू स्ट्रगल. बिना बोलते हैं और सौभाग्य हर दिन नहीं सोता, एक दिन जागेगा, एक दिन जागेगा, ठीक है वो एक दिन जागेगा. पांडव ऐसे ही नहीं बन, वो जब लाक्षाग्रह में जले तभी वो सूरमा निकले हैं. सूरमा बनना है आपने तो आपने जलना पड़ेगा, सोना बिना जले तब. इससे मुझे याद आता है अभी हाल फिलहाल में आजकल वेब सीरीज चल रही है, आप सबने भी देखी होगी, कौन प्रवीण तांबे. Yes, तो उससे मुझे याद आता है 41 इयर्स की एज में उन्होंने डेब्यू किया आईपीएल में जाके. तो अगर वो भी दुनिया की बात सुन लेते और वो भी डर जाते हैं तो आई थिंक वो आज कहीं के नहीं होते. Exactly, वो कहीं के नहीं थे बट उन्होंने अपनी मन की सुनी, अपनी जिद की जिद पे वो अड़े रहे एंड आज वो एक काफी फेमस पर्सनैलिटी है. क्रिकेट में बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड अभी एक हमारे सामने उनकी वेब सीरीज है. कई बार बच्चे सर क्या कहते हैं ना, जिद मतलब गलत जिद पकड़ लेते हैं, पढ़ नहीं रहे, जिद एक मैं करूंगा, वो गलत जिद है. Absolutely. जिद भी आपको पता नहीं, अड़ियल बना नहीं होना, अड़ियल नहीं है. आप पढ़ो फिर जिद सही है. बिल्कुल. आप बोलो कि नहीं मैं तो बना ही इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे भाग्य में. वो भी जिद होती है कि बन करूंगा तो गवर्नमेंट जॉब करूंगा, बना नहीं करूंगा और लेकिन आप पढ़ नहीं रहो तो गलत जिद है. तो जिद भी आपको देखनी चाहिए कि यस मैं करने की क्षमता है. जैसे प्रवीण तांबे का आपने एग्जांपल लिया, वो जिद्दी था बट ही वाज वर्किंग, उसकी जो वेब सीरीज है. एब्सोल्युटली. सिर्फ जिद होना काफी नहीं है, उसके पीछे आपको काम भी करना पड़ेगा. ये नहीं कि आप बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि मैं नबार्ड में जाऊंगा बट उसके लिए कुछ कर नहीं रहे. तो ऑफकोर्स इन दैट केस यू आर नॉट डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सक्सीड. सो ये थे मिस्टर विकास और इन्होंने नबार्ड अपना अटेम्प्ट नबार्ड का एग्जाम क्लियर किया है इन द सेकेंड अटेम्प्ट और काफ़ी कुछ हमें इनसे सीखने को मिलता है. सबसे पहली चीज जो हमें इनसे सीखने को मिलती है वो है डिटर्मिनेशन. इतने सारे हर्डल्स के बाद भी इन्होंने एग्जाम क्रैक किया है एंड इन द सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इनका कोई बहुत ज़्यादा प्रिपेयर ये थे नहीं, बहुत ही सिंपल सोर्सेज का इन्होंने इस्तेमाल किया है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सोर्स इन्होंने डिसाइड किया ये उस पर स्टिक रहे. तो ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, दैट वट एवर सोर्स यू आर आइडेंटिफाइंग स्टिक टू दैट. सो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इस इंटरव्यू से सीखने को मिलती है, स्पेशली फ्रॉम विकास. और काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी हैं ये और जो जो इनके हर्डल्स थे जिस तरीके से इन्होंने पार किया, इन्होंने डिस्कस किया काफ़ी अच्छे से. आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा एंड एट दी एंड चलते चलते देखो हम टीचर हैं, हम आपको बुक ही दे सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. इसके अलावा और ब्लेसिंग्स दे सकते हैं. सर बुक्स अच्छा गिफ्ट क्या होता है. सो ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर द सेशन एंड आई हैव enjoyed this session. Thank you, sir. And I think you guys have learned a lot. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.